Hi, I am Manvi and today I'll be teaching you the chapter Plant Kingdom. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की प्लांट किंगडम को किस किस क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है एंड देन वी स्टडीड अबाउट द फाइलम एल्गी. तो एज यू कैन सी है कि प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इन टू द फाइव क्लासेस. दीज आर सॉरी फाइव फाइलम्स. Plant is itself a kingdom. As we know that while classifying, सबसे पहले there is kingdom. Kingdom के बाद आती है phylum. Phylum के बाद class. Then order. Then family. Genus and species. So in this chapter you are studying the plant kingdom and you are and we are going to study its five different phylums jinme wo divide kiya gaya hai. These are algae jinke bare mein humne last class mein padha tha. Algae mein teen tarah ki algae hoti hai, green algae, red algae and brown algae, rhodophyceae, chlorophyceae and anthophyceae. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रायोफाइट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को हम बेसिकली जानते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से. नाउ इसके पीछे एक रीजन है. एम्फीबियंस, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है पहले आप ये देखिए. एम्फी इज ड्यूअल एंड बायोस इज लाइफ. सो एम्फीबियन का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ. तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं. एम्फीबियंस आर बेसिकली लाइन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स. सो एम्फीबियंस होते हैं विच लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर. वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स. फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉग्स रहते लैंड पर हैं बट फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर. वो अपने एग वाटर में ले करते हैं. सेलामेंडर, सेलामेंडर भी एक एम्फीबियन है. दे लिव ऑन लैंड, ट्रीज पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए, एग्स ले करने के लिए दे नीड टू कम इन वाटर. सो लैंड और वाटर दोनों चाहिए उनको. अगर लैंड नहीं होगा तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी एंड वाटर नहीं होगा तो भी उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. सो एम्फीबियंस नीड बोथ लैंड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. सेम गोज विद द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं बट इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट वी नीड वॉटर. आई टेल यू इट इन डिटेल लेटर. इस वक्त आप सिर्फ इतना समझिए कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस की तरह फर्टिलाइजेशन के लिए वॉटर इज रिक्वायर्ड एज अ मीडियम. स्पर्म को एग तक जाने के लिए वाटर से ट्रैवल करके जाना होता है. सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइट्स एंड दस दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. सेकेंड थिंग इज दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Now what is alternation of generations? Alternation of generation होता है haploid और diploid, that is gametophytic और sporophytic life cycle के बीच में alternate करना. उसकी life cycle में haploid as well as diploid दोनों phases आते हैं. But bryophytes के अंदर क्या होता है कि gametophytic phase is the dominant phase
गैमेटोफाइटिक फेज के दौरान क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये होगा हैप्लॉइड फेज एंड इसको सेक्सुअल फेज भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, सो दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज द सेक्सुअल पीरियड. अनदर इज द स्पोरो स्पोरोफिटिक फेज. स्पोरोफिटिक फेज इज नॉट द डोमिनेंट फेज, इट इज द ऑल्टरनेटिव फेज. दिस इज डिप्लॉयड. स्पोरोफिटिक फेजेस की गैमिट्स के फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जायगोट फॉर्म होने के बाद, जब न्यू प्लांट ग्रो करता है, द मेन प्लांट बॉडी ग्रो करती है, तो वो डिप्लॉयड होती है. सो दिस इज द डिप्लॉयड फेज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एसेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनके अंदर गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज एंड स्पोरोफिटिक इज द ऑल्टरनेटिव फेज. Now we'll study about its habitat. Habitat होता क्या है? Habitat is the environment which you need to live. Okay, environment like you need water or you need air, which you need in more quantity. So bryophytes का जो habitat होता है, most of the plants occur in cool, shady and moist place. Most of the plants, bryophytes के about 80% plants are found in cool, shady and moist places. Like they can be found in the crevices of the rocks, on the trunk of the trees. इन सब जगह पे यूजली ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, बट एज यू नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स की एक स्पीसीज है रिशिया, इट इज फाउंड इन पॉन्ड. देयर इज अनदर स्पीसीज फैगनम. Phagnum grows in bogs. Next is the polytrichum. Polytrichum is found in xeric conditions. Next is the cryptothallus mirabilis. This is a saprophyte. Next is the radula. Radula is an epiphyte. And last is the porella, which grows on rocks and barks and can withstand water, without water for several months. Habitat is the environment which you need to live. So
ब्रायोफाइट्स के जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं, अराउंड 80% प्लांट्स, दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट कूल एंड शेडी प्लेसेस. बट रिशिया इज अ प्लांट विच इज फाउंड इन पॉन्ड, पॉन्ड या पॉन्ड के आसपास पाया जाता है. स्फैग्नम ग्रोज इन बॉग्स. बॉग्स क्या होते हैं? बॉग्स आर द वेट एंड सॉफ्ट ग्राउंड. सो स्फैग्नम बॉग्स में पाया जाता है. स्फैग्नम इज हैव वेरी मच इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इट इज यूज एज अ फ्यूल, इट इज यूज एज अ फूड, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंस है. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. सो इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. पॉलीट्राइकम इज अ स्पीसीज विच इज फाउंड इन जेरिक कंडीशन. क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस इज अ सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट इज द ऑल विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. रेड्यूलाइज एन एपिफाइट. एपिफाइट विच ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स. पोरेला. पोरेला ग्रोज ऑन रॉक्स एंड बार्क्स. ये यूजली रॉक्स पे और ट्रीज की बार्क्स पे पाई जाती है. एंड इट कैन विदस्टैंड विदाउट वाटर फॉर सेवरल मंथ्स. अभी तो हमने ऊपर कहा था कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, बट पोरेला एक ऐसी स्पीसीज है जो कि बिना पानी के काफी महीनों तक रह सकती है. सो दे हैव दीज ऑल आर अडेप्टेशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, सो दैट वो अपने थोड़ा अपने सेफ जोन से थोड़ा बाहर आके निकले एंड दे शुड अडेप्ट देमसेल्व्स. सो दीज आर द एक्सेप्शंस. Next thing is about their size. साइज के लिए दे वेरी अलॉट इन देयर साइज. फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल एक्वेटिक प्लांट होता है डाउसोनिया. डाउसोनिया इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट एंड सबसे लार्जेस्ट होते हैं फर्न्स. और एक 30 मीटर का ट्री होता है, दैट इज अ पॉलीट्राइकम. सो साइज भी बहुत ज्यादा वेरी करता है और उनका हैबिटेट भी बहुत ज्यादा वेरी करता है. सो दे आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स एंड इन डिफरेंट साइजेस.